One channel, and today we will discuss class 9 chapter 3 factorization of polynomial of exercise 3a. So today we will discuss question number 21. So without wasting any time, let us discuss question number 20. So what's the question? Let us discuss first. There is a question C 21. की पावर 6 माइनस 7 टू 9, तो इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने के लिए क्या बताया गया है आप लोग देखिएगा. दिस इज अ लाइव सेशन. क्वेश्चन नंबर क्या है? 21. एक सिक्स के पास माइनस 729 एक्स टू दी पावर 6 माइनस 7 टू 9. मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स 3 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर 2. मैं 3 ऐसे जानबूझ के बोल रहा हूँ, सिंपल है. ऐसे मैं बोलूँगा 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2. इसके बाद क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x3 माइनस 3 x टू दी पावर 3 प्लस 3 टू दी पावर 3. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, लेट अस फैक्टराइज इट. x3 x टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 3. तो इसका क्या था पहले, आप लोग फॉर्मूला इसमें पढ़े होंगे. इसको x माइनस 3 किया जाता है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. यहाँ तक तो आप लोग पढ़े ही होंगे. उसके बाद यहाँ किया जाता है एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 9. तो यहाँ क्या x माइनस 3 है, x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x. तो ये आंसर आ गया आप लोगों का, 21 का आंसर आ गया. अब यह आप इसको पैटर्न में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा. पैटर्न में लिखना है तो आप एक ऐसे करके लिख दीजिए, x माइनस 3 x प्लस 3 और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. ये 21 बन गया. अब बनाते हैं हम लोग 22. तो लेट अस डिस्कस 22 क्वेश्चन नंबर 22. क्या पूछ रहा है आपका? 22 है x टू दी पावर 9 माइनस y टू दी पावर 9. इसका क्या होगा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. 29 है. लेट अस डिस्कस, डोंट वेस्ट एनी टाइम. 21. मैंने अभी 21 बताया, अब मैं आप लोगों को 22 समझाऊंगा. 22 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा x टू दी पावर 9 माइनस y टू दी पावर 9. ये आपका भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. मैं आपको 3a बताऊंगा तो उसमें आप लोग को फॉर्मूला ये सब याद रखना है अगर आप एग्जाम में बैठना है तो. x टू दी पावर 3 का पावर 3 माइनस y टू दी पावर 3 का पावर 3. ये फॉर्मूला बना, x क्यू माइनस y क्यू का फॉर्मूला बना. तो इसका क्या होता है, x 3 x टू दी पावर y मतलब ये माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है. तो समझिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपको मैं एक लॉन्ग स्टेप में आपको बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा. x 3 है पहले से, उसका पावर 2 करना है, समझ रहे हो ना. उसके बाद क्या है, प्लस x 3 और y 3 है. x 3 y 3 है मतलब कि वही इतना इंटू मल्टीप्लाई किया जाता है ना. तो आप इसे ऐसे ही लिख दीजिए, x 3 y 3 प्लस y 3 का पावर 2. यह कुछ लॉन्ग स्टेप में गया है,
अब आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स थ्री माइनस वाई थ्री इस स्टेप में, इधर आपका चल जाएगा एक्स एक्स प्लस एक्स थ्री वाई थ्री प्लस वाई सिक्स। यहाँ तक समझ में आया? After that, what we have to do? Then, what's the formula of this? X3 minus y. X minus y. X square plus xy and plus y square. ये हो गया। अब वो वाला उतार दीजिए, सिंपल x6 plus x3 y3 plus y to the power 6. ये आपका आंसर आ गया 22। अब हम लोग 23 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। 23 में आपका क्वेश्चन है, 23 में आप लोगों का क्वेश्चन ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब। ये भी इजी है, बहुत इजी है, मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब क्या है, आप लोग को मैंने फॉर्मूला बताया, आप लोगों को फॉर्मूला यह देख लेना है, बुक में है। ए प्लस बी का इसमें फॉर्मूला नहीं दिया, थ्री ई का एक्सरसाइज में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया है, फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का क्यूब आप क्या कर सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और फिर ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर माइनस, इसका भी वही होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और फिर ए माइनस बी। इज़न्ट, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी और ए माइनस बी लगेगा। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी मैंने लिखा, थ्री ए टू बी भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए, थ्री ए बी इंटू ए, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें कुछ अलग थोड़ा सा मैं बतलाऊंगा, वो क्या है देखिए। आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए इस स्टेप में, बाकी आपको जो स्टेप पसंद है वो आप कर सकते हैं। माइनस ए थ्री हुआ प्लस बी थ्री हुआ, माइनस माइनस प्लस थ्री ए बी हुआ, इसको ए माइनस बी। इसके आधार पे ये तीनों चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ए थ्री से ए थ्री ख़त्म, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कट गया। बी थ्री कितना है, टू बी थ्री, थ्री ए बी आपको इसमें कॉमन दिख रहा है, प्लस थ्री ए बी लीजिए और ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, लेट अस डिस्कस। टू बी थ्री प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर इवन सो प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, दिख रहा है ना, थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस एंड प्लस, ये आपका यहाँ से यहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद आपका सिंपल है, टू बी थ्री लिखिए, थ्री थ्री सिक्स ए स्क्वायर बी, टू बी थ्री प्लस सिक्स ए स्क्वायर, ये आपका आया। इस यहाँ पर भी आपका एक फैक्टराइज हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, आप इसमें लिख सकते हैं टू बी थ्री, टू बी लिया तो यहाँ पे आपको क्या बचा, बी स्क्वायर
प्लस 3 ए स्क्वायर, चूँकि आपका ये आंसर हो गया 23 का। अब क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 शायद मैं आपको 21 से ना बता रहा हूँ, मैं 25 तक ही चलूँगा अभी। इस यहाँ पे 22 हुआ, 23 हुआ, 24। 8aq-bq+4ax+2bx क्या है ये बतला रहा। आई विल डिस्कस इट। एट ए कप्पा वो 3 -bq -4ax+2a। लेट अस डिस्कस ऑफ दिस, व्हाट वी हैव टू डू ऑन दिस एक्सरसाइज। आप इसमें पहले सिंपल देखिए क्या दिख रहा है, 8a3 -b3, समझ में आ रहा है। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -2a होगा +b, 2 × 2 2+ b। आपका 2a-b होगा यहाँ पे, देखिए क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि -2x+(2a) 2 × 2 = 4a - 4a(8) -2x+(b) करूँगा तो यहाँ माइनस का सिंबल आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस का सिंबल दिया है तो यहाँ माइनस का सिंबल जाएगा। ये आपका माइनस का सिंबल है, 2a-b, 2a-b है माई फ्रेंड्स। आफ्टर दैट 2a का क्यू कीजिए, 2a का क्यू, एंड व्हेन यू विल डू 2a-q-bq, तो एक यहाँ फॉर्मूला बना। आप इसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 2x 2a-b, इसे आप सॉल्व कीजिए, 2a-b 2 × 2 = 4a +2ab+b² ये हुआ। उसके बाद आप लिखे -2x 2a-b। अब देखिए 2a-b कॉमन मिल रहा है, 2a-b यहाँ से यहाँ देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा तो 2a-b हो गया। फिर इसके बाद आपको वही कर देना है, इसको आप एक साथ ले आइए, 4a+2ab+b² - 2a, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं शायद ये लास्ट डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? aq+3a²b+3ab²+bq-a। तो मैं जल्दी जल्दी इसका डिस्कस करूँगा, ऐसे भी 13 मिनट हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बोला आपको, aq+3a²b+3ab²+b³-, ये डे बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप यहाँ पे देखिए aq+bq, देखिए मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, a³+b³ और 3a²b और 3ab², आपको ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, a+b³ लग रहा है फॉर्मूला। एक्चुअली मैं आपको कैसे यहाँ पे बतलाऊँ, यहाँ पे मैं बतलाता हूँ a+b का फॉर्मूला। चलिए आपको एक स्टेप ही ले जाता हूँ मैं, जैसे कि अगर हम यहाँ लिखे a+b का मैंने यहाँ क्यूब लिखा, क्यों लिखा भाई, क्योंकि आप इसको पहले फैक्टराइज कीजिए, तो aq+bq+3ab और a+b यहाँ तक हुआ, aq+bq वही रहेगा, और 3ab × 1 करूँगा तो 3a²b रहेगा, और फिर इसको करूँगा तो 3ab² रहेगा, तो आपका यही ना 3a²b है और 3ab² है। अब समझ में आपको आया। अब मैं इसे ले जाता हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए था, लेकिन आपको बनाना है यहाँ से।
आप इसमें ऐसे लिखिए a प्लस बी का क्यूब माइनस टू का क्यूब, सिंपल a प्लस बी का क्यूब माइनस टू का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस टू, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी प्लस फोर, डायरेक्ट लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट ए प्लस बी माइनस टू, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, आपको आप इसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपका आंसर, मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर यही दे रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ए प्लस बी माइनस टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी प्लस फोर, आपका यहीं तक आंसर दे रहा है। अगर आप लोग फैक्टराइज करना चाहते तो इसके आगे तक कर सकते, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन मैं अभी आगे करने लगा तो फिर मुझे पता चला कि आंसर आपको यहीं तक दे रहा, तो आप यहां तक भी कीजिएगा तो सही है, ए प्लस बी का स्क्वायर है प्लस टू ए बी प्लस फोर, ये आपका आंसर हो गया, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा आप हमें बोलिएगा। एक देखिए लाइन कितना मेरे का बच रहा है, इस बार लाइन देखिए मेरा कितना बच रहा है, लाइन मेरे में कितना बच रहा है, वन टू थ्री, मेरे ख्याल से बनेगा तो नहीं, लेकिन क्या करूं मैं, 26 बना दूं, चलिए 26 तक ही रहेगा, 21 to 26 का देखिए क्या है, 26 का आप लोगों को नहीं दिख रहा है, ये है ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस टू ए प्लस टू बाई ए, क्या है इसको मैं सॉल्व करूंगा, वेट 26 का मैं लिखा यहाँ, 26 का क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस टू ए प्लस टू बाई ए, यहाँ तक समझ में आया। अब आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला कर दीजिए, ए क्यू माइनस वन बाई ए क्यू, एक फार्मूला बना एक, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस टू कॉमन लिए ए माइनस वन बाई ए, बस बन गया, और इसमें क्या करना, यही था, एक ए क्यू माइनस वन ए माइनस वन बाई एक होगा, होगा कि नहीं, ए माइनस वन बाई ए, देखिए मैं जानबूझ के लंबा मतलब कि एक ही लाइन में फ्रैक्शन वाला दिखा रहा हूँ, ए माइनस, क्योंकि मैं मेरे को ये वीडियो में 26 नंबर तक ही बताना है, 26 क्वेश्चन नंबर तक, ए माइनस वन बाई ए एक होगा, एक आपका ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए क्यूब है ना, तो प्लस क्या होगा, ए इंटू वन बाई ए होता है, ए इंटू वन बाई ए, ए इंटू वन बाई, तो ए से तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन और प्लस वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई ए, देखिए छोटा सा लिख रहा हूँ स्क्वायर, वन बाई ए स्क्वायर। आफ्टर दैट आप फिर यहाँ तक आपका बना, तो आप देखिए ए माइनस वन बाई ए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वन आया। अब आप माइनस टू इसी में भी लिख सकते हैं, माइनस टू आप इसमें लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको किया था ना, कहाँ किया था, देखिए मैंने आपको 24 क्वेश्चन माइनस टू एक्स को फिर मैंने यहाँ लाया था ना, इसके अंदर माइनस टू एक्स, तो मैं वही इसमें करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ किया था, मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पे फिर आप माइनस टू लिख लीजिए, और फिर ए माइनस वन बाई ए, सॉरी आप लोगों को ऐसे में बतलाना पड़ रहा है, अभी एक लास्ट स्टेप आपका आंसर आ गया, ए माइनस वन बाई ए, ए माइनस वन बाई कॉमन मिल गया, चलिए कोई बात नहीं, एक आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, टू माइनस वन होता है ए स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई ए स्क्वायर, ये आपका आंसर मिल गया, मेरे ख्याल आंसर ही है ये 26 का। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस एंड वी विल कम ऑन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो फॉर एक्सप्लेनिंग वीडियो क्वेश्चन नंबर 27. सो हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल दोज हु आर व्यूइंग. बाय बाय एवरीवन. आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आप लोगों को हर चीज़ का सॉल्यूशन अच्छा से दूंगा.